डियर फ्रेंड, आपके सामने एक और नए टाइप के क्वेश्चंस लेकर आए गए हैं, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन ना हो। अगर सीरीज में आप मेरे वीडियो को देखते जा रहे हैं तो आपको हर प्रकार के वीडियोज मिल जाएंगे, जिसकी वजह से आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। लेकिन आप रेगुलर हर वीडियो को देखेंगे तब। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि कुछ क्वेश्चन दिए हैं। अ कंटिन्यूस बीम ए बी सी इज सिंपली सपोर्टेड एट ए एंड सी। ठीक है, क्या बोला है? कंटिन्यूस बीम है, ए बी सी सिंपली सपोर्टेड ए एंड सी है। द स्पान ए बी एंड बी सी आर 4 मीटर एंड 5 मीटर रिस्पेक्टिवली। स्पान ए बी इज सब्जेक्टेड टू यू डी एल 80 किलोन्यूटन पर मीटर एंड स्पान बी सी इज सब्जेक्टेड टू यू डी एल ई है 50 किलोन्यूटन पर मीटर। ड्रॉ एस एफ एन बी एम डायग्राम, यूज थियरम ऑफ थ्री मोमेंट। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है? कंटिन्यूस बीम ए बी सी है, तो सबसे पहले कंटिन्यूस बीम यहाँ पर इसे बना लेना। यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर सी है। ठीक है, ये देखिए, एक 4 मीटर का है, ये 4 मीटर का है, रिस्पेक्टिवली वाला मतलब ए बी आपका 4 मीटर और बी सी आपका 5 मीटर। ठीक है, ये आपका 5 मीटर है और ये 4 मीटर है। आगे क्या बोला है कि जो ए बी है, स्पान ए बी इज सब्जेक्टेड टू यू डी एल 80 किलोन्यूटन। तो यहाँ पर कितना लगा है? ये यू डी एल है 80 किलो न्यूटन पर मीटर और इस पर बोला स्पान बी सी सब्जेक्टेड टू यू डी एल 50 किलोमीटर। तो इस पर भी आपका क्या है? यू डी एल ही है और कितना है? 50 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई आपको। उसके बाद आके बोला है कि इसका एस एफ और बी एम डायग्राम ड्रॉ करना है, यूज थ्री थियरम ऑफ थ्री मोमेंट, उसी को क्लैपेरेंस मोमेंट भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करते थे हम, इसको दो पार्ट में कर लेते थे। ए बी को अलग अलग स्पान में कर लिए, ए बी यू डी एल है और बी सी जो हमने किया, बी सी ये भी यू डी एल है, ये 5 मीटर स्पान है, ये 4 मीटर स्पान है और ये 80 किलो न्यूटन पर मीटर है और ये 50 किलो न्यूटन पर मीटर है। ठीक है, पता चल गया। इसके बाद इसका मोमेंट, इसका मोमेंट ए बी का मैक्सिमम मोमेंट कहाँ पर आएगा? यू डी एल है तो डब्ल्यू एल स्क्वायर अपन 8, डब्ल्यू की वैल्यू 80, एल की वैल्यू 4 का स्क्वायर अपन 8। इसकी कैलकुलेशन करते हैं, देखते हैं कितना आता है। पहले 4 का स्क्वायर 16 इंटू 80 डिवाइड बाई 8, 160 किलो न्यूटन इंटू मीटर ये आ गया। फिर इसका एम बी सी मैक्सिमम, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपन 8, यहाँ पे ये 50 इंटू एल की वैल्यू 5 का स्क्वायर अपन 8। इसको भी यहाँ पे कैलकुलेशन बता देते हैं, ये 5 का 25 इंटू 50 डिवाइड बाई 8 कर देंगे तो आपकी वैल्यू आ गई यहाँ पे 156.25 किलो न्यूटन इंटू मीटर। ये आ गया। अब इसके बेस पे इसका जो डायग्राम होगा वो कैसा डायग्राम होगा? इस तरीके से होगा ए बी। ठीक है, और इसका डायग्राम भी ऐसे ही पैराबोलिक ही होगा। यहाँ पे जो मैक्सिमम आ रहा है वो है 156.25 किलो न्यूटन टू मीटर, बी सी था, और इसके मैक्सिमम जो आ रहा था वो 160 किलो न्यूटन टू मीटर है, ये वाला लेंथ की बात करें। ठीक है, अब उसके बाद से आपका जो थ्री मोमेंट इक्वेशन है या क्लैपेरियन एज पर क्लैपेरियंस है थियरम या थ्री मोमेंट थियरम के अकॉर्डिंग क्या होता है? मोमेंट एट ए इंटू एल वन प्लस 2 इंटू मोमेंट एट बी मिडल वाले का और एल वन प्लस एल टू प्लस एम सी इंटू एल टू इक्वल टू -6a1x1 अपन l1 -6a2x2 अपन l2। ये इक्वेशन वन ले लिया। ठीक है, अब इसमें एम ए तुम्हारा पता है कि एंड है और सिंपली सपोर्टेड है तो जीरो होगा, एम सी सिंपली सपोर्टेड है और फ्री एंड है तो वहाँ पे भी जीरो होगा। अब आ जाते हैं इन दोनों को कैलकुलेट करते हैं। एम बी तो हमें कैलकुलेट करनी है इनकी हेल्प से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ मोमेंट होगा। तो -6a1x1
अपॉन एल वन, तो मैंने सिक्स, इसका देखो ए वन क्या होगा, टू अपॉन थ्री, बेस क्या है ये फोर है, हाइट कितना है 160 है, एरिया एक्स वन क्या होगा इसके मिडल फोर का हाफ, टू अपॉन एल वन कितना है फोर है, इसको सॉल्व करेंगे ठीक है। इसको सॉल्व में पहले तो देख लेंगे, ये देखो ये थ्री टू जा ठीक है, टू यहाँ का टू, टू टू फोर है, ये फोर कैंसिल बचा, ये टू फोर 160, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं, देखिए पहले ऊपर का कर लो, टू इंटू 160 इंटू फोर इंटू टू इंटू सिक्स, ये कर लिया और डिवाइड बाई फोर थ्री या 12, ये आपका आ गया माइनस 1280, ये आ गया ठीक है। फिर वैसे माइनस सिक्स ए टू एक्स टू अपन एल टू ठीक है, इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, माइनस सिक्स ये एरिया के लिए टू अपन थ्री, और डिस्टेंस कितना है फाइव, और हाइट कितना आया था 156.25, और इसका सेंट्रोइड से हाफ लास्ट से सेंट्रोइड तक का डिस्टेंस कितना होगा 2.5, हाफ हो जाएगा, और डिवाइड बाय 5 एल टू। अब इसको जब सॉल्व करते हैं कैलसी में, तो कैलसी में कैलकुलेट करिए, इसकी वैल्यू आ जाएगा -1562.5, ये कैलकुलेट करेंगे तो आपका ये वैल्यू आ जाएगा। अब जैसे ये आ गया तो इसको क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट ये वैल्यू और ये दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन वन में, तो मैं वो चीज़ें भी यहाँ पर लिख देता हूँ और सब्स्टिट्यूट भी कर देते हैं ठीक है। एक न्यू पेज लेके यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन इक्वेशन वन, तो यहाँ पर एम ए की वैल्यू जीरो है तो ये पूरा जीरो हो गया, यहाँ टू एम बी फोर प्लस फाइव नाइन, और ये प्लस जीरो ये भी हो जाएगा इक्वल टू, इसका आया एक माइनस 1280 और एक आया माइनस 1562.5, तो यहाँ पे टू एम बी इंटू ये नाइन हो गया, और इनको ऐड कर लेंगे 1562.5, कितना आ गया 284.2.5। अभी यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो एमबी मिल जाएगा, डिवाइड बाय 9 to 18 से डिवाइड कर दिए तो 157.91 किलोमीटर इंटू मीटर, यहाँ पर एमबी मिल गया ठीक है। अब ऐसा भी कैलकुलेशन करना था, तो ये दो हमारे पास ऐसे पॉइंट थे, ये ए वी स्पान पे क्या था, यूडीएल था, ये 80 किलो न्यूटन पर मीटर था, और ये 4 मीटर था, और दूसरा हमारा था बी और सी, ये भी क्या था, यूडीएल था, क्या था 50 किलो न्यूटन पर मीटर था, और इसका स्पान 5 मीटर था। अब यहाँ से देखिए, ये ए पॉइंट है तो इसका वही रिएक्शन आर ए है, इसका आर बी वन है, क्योंकि दो हैं इसलिए आर बी वन आर बी टू, फिर सिंगल बना लेंगे आर सी। अब यहाँ पर अगर इसके लिए अगर मैं लूँ टेकिंग मोमेंट एट ए, ए ए पर अगर मैं मोमेंट ले रहा हूँ तो यहाँ का वैल्यू आर ए इंटू डिस्टेंस यहाँ पे कितना है जीरो है, आर बी इंटू फोर हो जाएगा, आर बी वन इंटू फोर, क्योंकि ये जा रहा है कैसे एंटी क्लॉक वाइज जा रहा है, तो ये और डिस्टेंस लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ए पर मोमेंट ले रहा हूँ ना मैं, तो ये लोड इंटू डिस्टेंस ये हो गया, और ये भी क्लॉक वाइज जा रहा, और इसका ये मोमेंट भी तो आया है, ऐसे मोमेंट होगा कितना है 157.79। देखो रिएक्शन का मतलब रोकेगा, ये इधर आ रहा है तो इसको रोकेगा ना ये मोमेंट, ये रोक रहा है इधर, तो ये कैसा है, ये कैसे क्लॉक वाइज, और ये भी कैसे जा रहा है क्लॉक वाइज, तो क्लॉक वाइज को इधर रख देते हैं, एक तो 157.79 है ठीक है, और एक तो इसका भी मोमेंट आएगा कितना 80 इंटू फोर इंटू टू, मैं देखो 80 इंटू फोर करेंगे तो ये लोड पॉइंट में होगा, और कहाँ पर लगेगा बीच में लगता है, तो बीच से यहाँ डिस्टेंस कितना है 2, इसको सॉल्व करेंगे तो आर बी वन आएगा, कितना आ रहा है मैं आपको बता देता हूँ, ये वैल्यू में ये ऐड करेंगे 80 इंटू फोर इंटू टू,
कितना आ गया, और जितना है उसमें ये 4 का डिवाइड कर देंगे तो आ गया आपका 199.479। ये RB1 आया, ठीक है। उसके बाद से जैसे ये आपकी वैल्यू आ जाती है, उसके बाद क्या करना है, आपको पता है कि इसका टोटल लोड RA प्लस RB1 इक्वल टू टोटल लोड, टोटल लोड क्या होगा 80 × 4 होगा, और ये RB1 जो आया इसमें माइनस कर देंगे तो RA हो जाएगा, 32 मतलब 320 माइनस आंसर कितना आ गया 120.52 किलो न्यूटन। ये RA आ गया, ये RB1 आ गया। फिर इसके लिए भी सेम इसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर एक मोमेंट ये आएगा MB, ठीक है, यहाँ पे तो जीरो ही हो जाएगा MC, तो यहाँ पर भी इसी पॉइंट पे B पे मोमेंट ले लेते हैं, टेकिंग मोमेंट एट द रेट B पे ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, देखो ये वाला एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, RC × 5 हो गया क्योंकि डिस्टेंस ये है। फिर बाद में ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, देखो MB, और MB की वैल्यू कितनी है 157.79, तो एंटी क्लॉकवाइज वाला हो गया। अब क्लॉकवाइज देखिए, ये क्लॉकवाइज है ये लोड के कारण, ये कितना है 50 × 5 × इसका हाफ 2.5। तो यहाँ पे RC की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लीकेशन 50 × 5 × 2.5 में से ये माइनस कर देंगे 157.79, माइनस करने के बाद ये 5 डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया 93.442, ये तो RC आ गया। उसके बाद से आपको पता है कि RC प्लस RB2 इक्वल टू टोटल लोड, टोटल लोड कितना होगा 50 × 5, तो यहाँ पे RB2 कितना हो जाएगा, RB2 ये RC माइनस हो जाएगा, कितना है 50 × 5 ना, 50 × 5 ब्रैकेट क्लोज माइनस आंसर कितना आ गया 156.558 किलो न्यूटन। फिर RB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, RB1 प्लस RB2, RB1 कितना है 199.479 और ये 156.558, दोनों जोड़ देंगे 199.479, कितनी वैल्यू आ गई 356.037 किलो न्यूटन आ गया RV की वैल्यू, ठीक है। अब उसके बाद से SFD और BMD डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, SFD और BMD डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो देख सकते हैं सबसे पहले तो मेरा ये फिगर होगा, उसके बाद से बाकी चीज़ें फटाफट हम कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है, मेरा फिगर है, फिगर ड्रॉ कर देते हैं। ये आपका बीम था, सारी वैल्यू मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये भी UDL है, ये भी UDL है, इसकी वैल्यू है 50 किलो न्यूटन पर मीटर, इसकी वैल्यू है 80 किलो न्यूटन पर मीटर, ये 4 मीटर स्पान है, ये 5 मीटर स्पान है। RA की वैल्यू जितनी आई थी लिख लेते हैं 120.52, RC की वैल्यू 93.442, RB की वैल्यू 356.07। फिर बाद में ये मोमेंट, यहाँ का मोमेंट कितना था, आया था मोमेंट जो आया था वो 157.79 आया था। यहाँ का मोमेंट तो जीरो ही है MA, और ये मोमेंट MB MC जीरो जीरो। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, डैश डैश लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, आपको पता ही है, ठीक है, ये भी ड्रॉ कर लेते हैं। फिर उसके बाद से यहाँ पे BMD डायग्राम ड्रॉ करेंगे,
ये बीच वाला भी ड्रॉ कर ही लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कितना आया था 157.79 थी, यहाँ पर आपका इस तरीके से आ जाएगा 157.79 किलो न्यूटन टू मीटर। फिर इसका भी इसका कितना आया था, तो इसका भी मैं बता देता हूँ, इस तरफ वाला आया था 156, इससे जस्ट कम है, हल्का सा ऐसे कम पे, क्योंकि पैराबोलिक इसका भी होगा। और कितना हाइट ये आया था 156.25 किलो न्यूटन इंटू मीटर, और इसका कितना आया था 160 आया था, तो मतलब इससे ऊपर होगा थोड़ा सा, ये वाला हाइट आया था 160 किलो न्यूटन इंटू मीटर हो गया। ठीक है, अब देख सकते हैं ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। ठीक है, इसको बोलेंगे बीएम डायग्राम। ठीक है, यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ पे सी। ठीक है, उसके बाद से एसएफ। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर ऊपर की तरफ जाएगा 120, इतना मान लीजिए 120 यहाँ पर आया, तो 120.52 किलो न्यूटन है। ठीक है, उसके बाद से यूडीएल है, तो यूडीएल कितना है, इसमें माइनस करते जाएंगे। देखिए ये कैल्सी उठाने का कितना था, पहले प्लस में है 120.52। ठीक है, फिर यूडीएल माइनस होगा, तो यूडीएल कितना 80 × 4 माइनस होगा, तो माइनस ब्रैकेट में 80 × 4 करेंगे तो -199 तक आ रहा है, तो -199 मतलब यहाँ तक आएगा, लिख लेंगे 48, यहाँ पर हम बना लेंगे इस तरीके से आया। फिर यहाँ पर कितना है 356.07 आरबी की वैल्यू, तो ये ऊपर की तरफ है तो प्लस करेंगे 356.07, कितना आया 156 प्लस तक आया, तो 120 था तो थोड़ा ऊपर जाएगा इसके, इस तरीके से आ गया। यहाँ पे कितना आया 156.59 है। फिर यहाँ से आप देखेंगे तो यूडीएल है, तो यूडीएल माइनस होगा इसमें, माइनस कितना 50 × 5 ये माइनस होगा, कितना आया -93, ये अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, माइनस में है ना तो नीचे आएगा, ये ऊपर इसके प्लस है, यहाँ पर कितना है -93.41, और यहाँ पे देखेंगे तो इसकी वैल्यू 93.41 है, तो ये ऊपर जाके इस तरह से मिल जाएगा, तो ये माइनस हो गया और ये दोनों प्लस हो गए, इस तरीके से ये SFD डायग्राम हो गया, SFD इस तरीके से हो गया। ठीक है, इस तरीके से चाहे तो ऐसे बना सकते हैं, ये बन गया, ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, इस तरीके से बना दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका SFD कैलकुलेट होता था, इसी तरीके से करना।